नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है, हाउ टू कैलकुलेट ए मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड बाय यूजिंग फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर का जो एक्चुअल वर्किंग मशीन होती है उसका ये टॉप व्यू है। ये बेसिक मशीन में क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि एक बेस होता है, जो बेस एकदम स्टडी कास्ट आयरन का बेस होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं। ठीक है, ये पिलर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये पिलर्स के ऊपर क्या होता है कि आपके ये जो सेंटर्स दिख रहे हैं आपको, ये दो सेंटर्स होते हैं, ये दो पिलर है, ये दो पिलर के बीच में क्या होते हैं, परफेक्टली अलाइन दो सेंटर माउंट किए हैं। और ये जो सेंटर्स है, आप इसको इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आगे पीछे उसको कर सकते हो। और ये बेस के ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री में क्या होता है, और एक कैरिएज लगाए वाला रहता है। जो कैरिएज क्या करता है, थ्रेड एक्सिस जो रहता है आपका, मतलब आपने यहाँ पर वर्कपीस लगाया, यहाँ पे वर्कपीस लगाने के बाद होता है वो जो कैरिएज है वो परफेक्टली क्या करता है, 90 डिग्री टू थ्रेड एक्सिस मूव करता है। ठीक है, और इसके ऊपर वापस से एक कैरिएज रहता है, ये क्या करता है, आपका जो थ्रेड एक्सिस है उसको 90 डिग्री में मूव करता है। ठीक है, एक बेस हो गया, उसके बाद सेकेंड क्या हो गया, थ्रेड एक्सिस को पैरेलल मूव करता है, और जो तीसरा होता है वो थ्रेड एक्सिस को क्या करता है, 90 डिग्री में मूव करता है, मतलब परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर ये ऊपर का जो थर्ड कैरिज होता है, या थर्ड कैरिज के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड में क्या है आपका, फ्यूडिशियल इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूडिशियल इंडिकेटर दिख रहा है, सेम उसके अपोजिट साइड में क्या है, यहाँ पे माइक्रोमीटर ड्रम है, जहाँ पे आप क्या करते हो, उसकी जॉब की रीडिंग लेते हो। ये फ्यूडिशियल इंडिकेटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रीडिंग है, मतलब ये जो पॉइंटर है, ये क्या होना चाहिए, कभी भी रीडिंग लेते टाइम यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। मतलब माइक्रोमीटर ड्रम को आप इतना ही रोटेट करो कि ये जो पॉइंटर है ये पहले यहाँ पे रहेगा, वो क्या होना चाहिए, जब आप वर्कपीस का रीडिंग लोगे तो वो क्या होना चाहिए, परफेक्टली यहाँ पे आने चाहिए। तो अब इसका रीडिंग कैसे लेता है, मतलब अगर आपको मेजर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि कंसीडर करो आपका ये थ्रेडेड वर्कपीस है, और आपको इसका मेजर डायमीटर पता है कि इसका मेजर डायमीटर 50 mm है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में से एक सेटिंग सिलेंडर लोगे जिसका डायमीटर क्या होगा, 50 ही होगा, 50 mm। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा वर्कपीस, मतलब ऐसा सेटिंग सिलेंडर लिया कि जिसका डायमीटर 50 mm है। मैंने फिर उसको बीच एनविल के बीच में उसको लगाया, और फिर फ्यूडिशियल इंडिकेटर और माइक्रोमीटर ड्रम से क्या किया, उसका रीडिंग लिया। उसका जो रीडिंग आया, वो रीडिंग कितना आया, मेरा R1 रीडिंग आया, और मेरा ऑलरेडी रीडिंग कितना था, मेरा मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया है मुझे, 50 mm दिया है। तो इसका कुछ तो रीडिंग आया होगा। फिर मैंने क्या किया, ये सेटिंग सिलेंडर को यहाँ से निकाला, और फिर क्या किया, आपका जो एक्चुअल वर्कपीस है जिसका आपको मेजर डायमीटर कैलकुलेट करना है, वो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। वापस से वही प्रोसीजर किया मैंने, फ्यूडिशियल इंडिकेटर का जो एनविल है वो टच किया, फिर माइक्रोमीटर का एनविल टच किया, फिर माइक्रोमीटर ड्रम को क्या किया मैंने, धीरे धीरे रोटेट किया। ऐसे रोटेट किया कि क्या किया, मेरा जो पॉइंटर है वो क्या होना चाहिए, परफेक्टली सेंटर में आना चाहिए। फिर आने के बाद मैंने उसका भी एक रीडिंग लिया, वो रीडिंग कितना आया, मेरा R2 रीडिंग आया। फिर मेजर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, D प्लस यहाँ पर प्लस माइनस R2 माइनस R1। ऐसे क्या कर सकते हो आप दिखा दे, किसी भी वर्क पीस का क्या कर सकते हो आप, मेजर डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ये कंस्ट्रक्शन में तीन बातें लिखो कि बेस होता है, फिर एक कैरेज होता है, वापस एक कैरेज होता है, फिर उसके ऊपर जो अपर कैरेज होता है, अपर कैरेज में क्या होता है आपका, एक फ्यूडिशियल इंडिकेटर और माइक्रोमीटर ड्रम होता है। और ये माइक्रोमीटर ड्रम का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 माइक्रॉन, मतलब इसको आप 0.002 भी बोल सकते हो, या इसको 2 माइक्रॉन भी बोल सकते हो। ऐसा ये था हाउ टू कैलकुलेट ए मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड बाय यूजिंग फ्लोटिंग कैरिज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।